नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और चलिए, मैं आज आपके लिए बहुत एक आज इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को पता रहता है कि ये तो पहले भी हमने देखा है या पहले भी हम ये देख चुके हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वो आपके लिए नहीं है जो इस फील्ड में नए हैं, जो अभी मेरा वीडियो उन्होंने देखा है और वो ट्रिक को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे प्लीज़। अगर आपको पता है ये जो भी मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ आपको पता है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो हम उनके लिए है, एज अ फ्रेशर के लिए है, और जिनको नहीं पता है इसलिए हम अपने स्टूडेंट और अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो लेकर के आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ अलग बताने वाला हूँ कि अब आज मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ोन है और ये लॉक पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोन है जो कि यहाँ पे लॉक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोन जो लॉक है, इसको आज हम ना किसी UFI ना किसी, आज हम इसे अनलॉक करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, आज मैं फ़ोन को टच भी नहीं करूँगा और फ़ोन हमारा अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छे लगने वाली है, आई होप आपको। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा मैं ये फ़ोन आपके सामने ही रखा है और आपके सामने रखा रहेगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक कैमरे के थ्रू और भी उसको दिखाऊंगा कि उसको कैसे हमारा फ़ोन हो रहा है और नहीं हो रहा है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ भाइयों को पता है तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये फ़ोन मैं प्रॉपर नहीं ले रहा हूँ, मैं फ़ोन कोई भी हो सकता है, A to Z कोई भी फ़ोन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ फ्रेंड, उसके लिए दो तीन टर्म एंड कंडीशंस है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये फ़ोन चाहे कोई भी फ़ोन हो, आप उसकी बहुत ही ईजिली तरीके से अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, कोई सा भी फ़ोन होगा, अभी के लेटेस्ट से लेटेस्ट कोई सा भी फ़ोन होगा, आप उस फ़ोन को बहुत ही ईजिली तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, चलिए मैं देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट जिनको पता होगा वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि इसको हम कैसे इजीली तरीके से अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी UFI, बिना किसी इजी जेटेक, बिना किसी UMT, बिना किसी डोंगल के हम फ़ोन को अनलॉक करेंगे। तो चलिए अब आपको अपने PC में ले चलते हैं, और साइड में एक व्यू आपको इस मोबाइल का भी मिलता रहेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा फ़ोन क्या कनेक्टिविटी हो रही है। तो चलिए वीडियो को अपने PC में ले चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे सारे चीज़ें मैंने बताई दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फ़ोन ऑन है। मैंने किसी कोई भी डाटा हुए सीधे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, हमने सारी चीज़ें बताई दी है। ट्रिक है, जिसको पता है फ्रेंड्स वो वीडियो को स्किप कर सकता है, बट जिसको नहीं पता है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ छोटी सी अपडेट कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप यहाँ पर जा करके वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसको सिंपली इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। कोई भी फ़ोन आएगा, अभी तक के जितने भी फ़ोन होंगे फ्रेंड्स, सब कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो सिंपली आपको गूगल पे खोलना है फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक एक बता रहा हूँ, जिससे पे आप पर इसमें टर्म एंड कंडीशन है, दो चीज़ होनी चाहिए, बस एक चीज़ होनी चाहिए कि कस्टमर का अगर जेन्युइन फ़ोन है तो अगर वो एनी रीजंस के कारण अपना लॉक, जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स साइड में आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी, जो इसमें लॉक्स है आप देख रहे हैं, अगर वो भूल गया है कस्टमर, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेन्युइन होगा, कितना भी महंगा फ़ोन होगा तो उसको Gmail ID और पासवर्ड उसको पता होता है। तो सिंपली आप उसको गूगल में लिखना है फ्रेंड्स, तो या फिर फाइंड माई डिवाइस हम लिखेंगे, फाइंड माई डिवाइस, अब इंटर कर देंगे। अब सिंपली देखेंगे फ्रेंड्स, हमने जो Gmail ID डाल दी है वो फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। तो इसके लिए आपको उसका Gmail ID और पासवर्ड चाहिए। अब मैं इसमें जो हमने डाला हुआ था, मैं उसकी Gmail ID और पासवर्ड को फिर से एक बार कनेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फ़ोन फ्रेंड्स देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। होनर का आप देख सकते हैं यहाँ पे, होनर 9 Lite आप देख सकते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ोन को साइड करूँगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने चलने वाली है फ्रेंड्स, और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा सारी चीज़ें यहाँ पे करके। तो आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को साइड कर दिया है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी फ्रेंड्स। मैंने दो दो स्क्रीन इसलिए चलाया कि मैंने कोई भी फ़ोन को कनेक्ट नहीं किया है किसी भी डाटा केबल से, आपके सामने फ़ोन को रखा हुआ है। तो सिंपली आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इरेज डिवाइस,
तो आपका आप लॉगिंग करना है फाइंड माय डिवाइस में, आपको लॉगिंग करना है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा फ़ोन कहाँ पे है फ्रेंड्स। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको इरेज डिवाइस में जाना है। इरेज डिवाइस में जाने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इरेज डिवाइस, तो सिंपली आपको यहाँ पे इरेज डिवाइस पे क्लिक कर देना है। और आपका जो भी यहाँ पे पैटर्न लगा होगा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए जो भी यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है वो बहुत ही ईजिली तरीके से रिमूव हो जाएगा बिना कुछ किए फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो मैंने आपने सिंपली हमने इरेज डिवाइस पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे हमें इरेज डिवाइस पे हमने क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स, तो वो आपसे एक बार पासवर्ड पूछेगा, इनका पासवर्ड चाहिए, क्योंकि जनरली इनका पासवर्ड चाहिए। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप करूँगा और फिर तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसे हमने पासवर्ड डाल दिया है फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो लॉक है हमने कुछ भी नहीं कर रहा है, जो हमारा फ़ोन लॉक है देख सकते हैं ये आपका इरेस होना नाइट लाइट आपका दिखा रहा है, डिवाइस बता रहा है। आप सिंपली इसको इरेस पे क्लिक कर देंगे, आपको यस पूछेगा, फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेकअप, इसके बाद आपको फिर सिक्योरिटी चेकअप करना है। ये देखिए आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं साइड में मैंने फ़ोन को टच भी नहीं किया है और हमारा फ़ोन इरेज हो चुका है कंप्लीट तरीके से। तो आप इजली तरीके से, आपको अगर ये अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, कुछ नया लगा होगा, जिन जिनको पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट्स ना करें कि हमें पता था या ये था, मैंने पहले ही बोला है फ्रेंड्स आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। बट जिनको नहीं पता है फ्रेंड्स, वो ये उनके लिए बहुत ही यूनिक ट्रिक है, क्योंकि जिनके पास महंगा फ़ोन होगा फ्रेंड्स उनके पास जाहिर सी बात है कि वहाँ पे देखिए फॉर्मेट हो गया, हमने कोई भी चीज़ फॉर्मेटिंग नहीं की है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ़ोन जितना भी महंगा होगा आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से ओप्पो वीवो एमआई चाहे जो सा जो भी फ़ोन होगा फ्रेंड्स आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। फैक्ट्री रिसेट आपने देखा, आपके सामने हम लाइव दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि आप उसका फैक्ट्री रिसेट लाइव देख रहे हो कि फैक्ट्री रिसेट हम कैसे उसको हटाए हैं फ्रेंड। तो आप आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है फ्रेंड तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो बहुत से वीडियो डले हुए हैं पर फिर भी मैं एक नए तरीके से आपको सारी डिटेल के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ कि आप देखिए हमारा रिस्टार्ट सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं अब हमारा फ़ोन कम्प्लीटली हो चुका है, मैंने आपको इसीलिए परफेक्ट नॉलेज दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने कोई भी अभी भी डाटा केबल नहीं लगा हुआ है, तो इससे आप बहुत इजीली तरीके से किसी का भी पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं। बट जेन्युइन मतलब आपका उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए फ्रेंड, तभी जा करके आप उसको बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी फ्रेंड, तो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं फाइंड माई डिवाइस में मैं जा करके बहुत ही ईजिली तरीके से हमने यहाँ पे उसको अनलॉक कर दिया है। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन आपको हमने बता ही दिया था कि आपको उसमें जीमेल फाइंड माई डिवाइस में जा करके उसका जीमेल आईडी पासवर्ड डालना है और फिर वहाँ से जा करके आप इरेज कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से आप इरेज कर सकते हैं फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगर ये अच्छी लगी है तो आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में कि ये हमारा फ़ोन अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट हो चुका है बहुत इजली तरीके से। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा मोटिव, ये हमारा वीडियो था आपको फॉर्मेट करना है एनी फोन। अब देख सकते हैं बहुत इजली तरीके से फॉर्मेट हो चुका है, अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अब इसे आप वाईफाई कनेक्ट करके फ्रेंड्स इसमें वाईफाई कनेक्ट करके इसकी जो जीमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तो इसकी एफआरपी भी हट जाएगी फ्रेंड। तो ये क्योंकि ऑलरेडी हमें जीमेल आईडी उसकी पता है, तो अब इसे हम इसे वाईफाई देंगे और क्योंकि स्किप करेंगे बैक होगा, देखिए बैक हो रहा है, तो अब इसे में हमें वाईफाई कनेक्ट करके फ्रेंड्स और इसमें इसकी जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो फ़ोन कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने पूरी चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई हुई है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है और आई होप आप हमें जितना हो सकेगा उतना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जितना हो सके फ्रेंड्स उतना आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।